हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, इस करवा चौथ बन रहा है ये विशेष संयोग, तो इस समय से पहले आपको खा लेनी है सरगी। कार्तिक मास के चतुर्थी को मनाया जाता है करवा चौथ का त्यौहार। इस साल यह त्यौहार 17 अक्टूबर को है। इस बार करवा चौथ का महत्व इसलिए और बढ़ रहा है क्योंकि इस साल करवा चौथ पर एक विशेष संयोग बन रहा है। बताया जा रहा है कि यह संयोग 70 साल बाद बन रहा है। इस बार चतुर्थी तिथि 17 अक्टूबर को 6:48 पर लग रही है। अगले दिन चतुर्थी तिथि सुबह 7:29 तक रहेगी। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन व्रत में सुबह सरगी खाई जाती है। इस बार उपवास का समय 13:56 का है। सुबह 6:21 से रात को 8:18 तक, इसलिए सरगी सुबह 6:21 से पहले ही खा ले। और हाँ दोस्तों, ये विवाहित स्त्रियां तो रखती ही हैं, साथ में कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। जो किसी को डेट कर रही हो, जिनका बॉयफ्रेंड हो या उनकी सगाई हो गई हो, वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर महिलाएं शाम को चांद को देखकर व्रत तोड़ती हैं और कुंवारी लड़कियां चांद को नहीं बल्कि तारों को देखकर व्रत तोड़ती है। वो दिन में पानी तो पी सकती है पर कुछ खा नहीं सकती। फ्रेंड्स, इस बार करवा चौथ का चांद रात को 8:18 पर निकलेगा। व्रत की कहानी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:50 से 7:06 तक। आप इस समय पूजा कर सकती हैं, ये अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। कुल मिलाकर 1:15 का मुहूर्त है। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06 तक का है। टोटल 1:15 का है। दोस्तों, सुबह 6:21 से रात को 8:18 तक आपका करवा चौथ का व्रत रहेगा। उपवास का कुल समय है 13:56 का है। चांद निकलने का समय 8:18 का है रात का। इस बार रोहिणी नक्षत्र के साथ मंगल का योग होना अधिक मंगलकारी बन रहा है। यह योग बहुत ही मंगलकारी है और इस दिन व्रत करने से सुहागिनों को व्रत का फल बहुत ही शुभ मिलेगा। इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यदि सुहागिनी स्त्रियां व्रत रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनका गृह जीवन बहुत ही सुखमय होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो पूरे देश में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि जगहों पर इस दिन अलग ही नज़ारा होता है और हर जगह रौनक ही छाई होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको हमारा वीडियो? आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी ही सब्सक्राइब करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।